हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम 11 और 12 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केजेंगडी थोंगडोक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं फिल्मफेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और जी सिने अवार्ड। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के केजेंगडी थोंगडोक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये एक फिल्म निर्माता हैं। तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस विश्व में जनसंख्या के बढ़ते मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन डी 11 जुलाई सही है। इस दिन का आविष्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में किया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का इस बार का थीम है महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश और चेस। तो भारत की स्क्वैश स्टार जोशना चिनप्पा, मिस्र की खिलाड़ी रोनेमल एल वेसली जो रैंक 1 पे थी, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। इस वजह से जोशना चिनप्पा की रैंकिंग पीएसए में शीर्ष 10 में वापस आ गई है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी स्क्वैश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में स्थान मिला है? ऑप्शंस हैं नादौन पुलिस स्टेशन, सूरत पुलिस स्टेशन, लखनऊ पुलिस स्टेशन और उज्जैन पुलिस स्टेशन। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए नादौन पुलिस स्टेशन सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं 32वां, 34वां, 36वां और 38वां। तो ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का 34वां स्थान है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी सही है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और दूसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन थ्रोट किस जीव की प्रजाति है? ऑप्शंस हैं मगरमच्छ, छिपकली, चमगादड़ और बिल्ली। तो अभी हाल ही में उत्तरी कर्नाटक के बगलकोट जिले की बंजर भूमि से फैन थ्रोटेड छिपकली की नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सितारा धर्वारेंसिस रखा गया है। हालांकि इस नई प्रजाति का बड़ा फैन वाला गला होता है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी छिपकली सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2018-2019 में बाघ गणना के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस है चाइना, श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश। तो भारत के द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है। नवीनतम गणना के अनुसार देश में अब तक बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी इंडिया सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, मुश्ताक अहमद, नरेंद्र ध्रुव बत्रा और प्रफुल्ल पटेल। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोम्बाम को बनाया गया है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए सही है।
ज्ञानेंद्र निगोम्बम्ब मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और अभी तक इसके अध्यक्ष मुश्ताक अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, फ्रांस और अमेरिका। UNIFIL का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एंटरिम फोर्स इन लेबनान। तो लेबनान में जो भारतीय फोर्स तैनात है उसमें भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए इंडिया सही है। इस बटालियन ने अपशिष्ट पदार्थ को कम करने का कार्य किया है और प्लास्टिक के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं इजराइल, ब्राज़ील, कोलंबिया और अर्जेंटीना। तो इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये मिशन अमेजन के वनों में जो अवैध कटाई होती है उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।